आपने अभी एक सामने पुल देखा वीडियो में, दो किनारे जहाँ पर एक तरफ है भारत की सरहद और दूसरी तरफ है पड़ोसी मुल्क और भारत के मित्र नेपाल देश की सरहद। पूर्णागिरी मंदिर दर्शन करने के बाद में कहा जाता है कि जब तक आप नेपाल में स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी पूर्णागिरी की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। पड़ोसी मुल्क और मित्र जो कि शारदा नदी पर बने हुए इस पुल के उस छोर पे है, इस छोर से जब उस छोर तक आप पैदल यात्रा करते हैं, यहाँ तक आने के लिए आपको टनकपुर शहर जो कि बहुत खूबसूरत चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए साधन मिल जाता है। पैदल यात्रा करके आप पुल पार करते हैं और पड़ोसी मुल्क में भी वहाँ पर मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, जिनसे जाकर के आप सिद्ध बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, पहली वीडियो में आपने किए चमत्कारी माता पूर्णागिरी के दर्शन और इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं उस सिद्ध बाबा के, जिससे कि आपकी यात्रा पूर्णागिरी दर्शन करने का पूर्ण लाभ आपको मिल सकेगा। जय माता दी। टनकपुर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में पहुंचते हैं हम शारदा बैराज पे, जहां पर लगी हुई है अनेकों दुकानें प्रसाद की, हल्का पुल्का खाने की, बच्चों के खिलौनों की, और यहीं से मोटरसाइकिल के द्वारा तकरीबन 15 रुपया प्रति सवारी का किराया लेकर के आपको मोटरसाइकिल वाले पहुंचा देते हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल में। शारदा नदी का बैराज, जिसे काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से 3600 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय से काला पानी होते हुए निकलती है यह शारदा नदी। कुछ लोग यहां से पैदल यात्रा भी करते हैं और कुछ लोग बाइकों के द्वारा जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिद्ध पुरुष के दर्शन का इतना महत्व बढ़ गया कि जब तक आप यहां दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी मां पूर्णागिरी के चरणों में कोई मांगी मन्नत या दर्शनों का लाभ नहीं होता है पूरा, ये जानेंगे हम मंदिर पहुंच करके। सिद्ध बाबा का मंदिर नेपाल के कंचनपुर जिले के ब्रह्मदेव नामक स्थान पर स्थापित है। शारदा नदी, जिसका पानी एकदम कांच की तरह साफ चमकता है, यह एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है। यह हिमालय से निकलती है और भारत नेपाल सीमा के पास घाघरा नदी में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से होकर बहती है। नदी दोनों देशों में किसानों के लिए सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कई गांवों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का घर है, जिसमें मछली, कछुए, मगरमच्छ और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। हाल के वर्षों में यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाने के इच्छुक पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। प्रवेश कर चुके हैं हम नेपाल की सीमा में। यहां प्रवेश करते ही एक सड़क के किनारे दोनों तरफ ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं, पर्यटकों के खरीदारी के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, नेपाल के द्वारा निर्मित मैगी, जिसका कई अपना अलग ही अंदाज है, यहां आपको देखने को मिलेगा। जब मेले का समय होता है, जो लगातार 3 महीनों तक चलता है, उस समय पर यहां जबरदस्त भीड़ रहती है, क्योंकि जो भक्त पूर्णागिरी के दर्शन करते हैं और जिनको पता है इसके बारे में कि सिद्ध बाबा के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा सफल होती है, वे लोग यहाँ पर आते हैं। ये चौराहा आप देख सकते हैं, इस चौराहे के बिल्कुल ठीक सामने तकरीबन 80 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ऑटो वाले यहाँ से आपको लेकर के जाते हैं नेपाल के एक बड़े बाजार में, जहाँ से पर्यटक उठाते हैं आनंद खरीदारी का। सिद्ध बाबा के मंदिर दो जगह पर स्थापित है। इसका जो मूल मंदिर है वह नेपाल के खल्ला नामक स्थान पर है, जहां पर के बताया जाता है कि मूल मंदिर है
और एक जो ब्रह्मदेव नामक स्थान पे मंदिर है उसके दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। मंदिर बड़ी ही रमणीक जगह पर स्थापित है। इसके अंदर बहुत सारी जगह है जिसमें अनेकों पर्यटक एक साथ घूम सकते हैं। मंदिर पे ज्यादातर झंडे चढ़ाए दिखाई देते हैं। ऐसा बताया गया कि नेपाल से जो झंडे यहाँ मंदिर पर चढ़ाए जाते हैं भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद, वे प्योर सूती होते हैं। और भारत के द्वारा जो झंडे चढ़ाए जाते हैं या भारत के भक्त जो जाकर के यहाँ झंडे चढ़ाते हैं उनके झंडे सिल्की होते हैं। सिद्ध बाबा के मंदिर में इलायची दाना, रुद्राक्ष, त्रिशूल, घंटी व झंडे वाला प्रसाद चढ़ाना ही मान्य है। सभी भक्तों को बताया जाता है कि रास्ते से लाया हुआ प्रसाद यहाँ चढ़ाना बिल्कुल मना है। मंदिर के प्रांगण से चारों तरफ दिखने वाला दृश्य निश्चित ही पर्यटकों और भक्तों के मन को मोह लेता है। परिसर में पहुंचने के बाद मानो ऐसा लगता है कि थकान तो बिल्कुल रही ही नहीं। यहाँ पर ये हवन यज्ञ स्थली है जो काफी बड़ी है और कथा पंडाल भी बना हुआ है जिसके सामने भक्त कथा का आनंद भी बैठ करके श्रवण करके ले सकते हैं। इस मंदिर परिसर में और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें विष्णु का मंदिर है, गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित मंदिर है, लेकिन सिद्ध बाबा का जो मुख्य स्थल माना जाता है वो पीपल के पेड़ के नीचे, जिसके चारों तरफ पीले कलर के झंडे लगे हुए हैं, उसे माना जाता है। यहाँ पर पुजारी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो शिवलिंग पीपल की जड़ में है वो खुद से ही प्रकट हुआ है और वहीं पर सिद्ध बाबा की मूर्ति भी रखी गई है, जहाँ पर भक्त अपनी मनोती के लिए धागा भी बांधते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद फिर ध्वज लेकर के आभार जताने आते हैं। यही है वह जगह जहां सिद्ध बाबा के दर्शन कर उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, शिवलिंग के भी दर्शन किए जाते हैं और कलावा अपने हाथ पे बंधवाया जाता है पुजारी जी के द्वारा। चलिए भक्तों, अब समय आ गया है उस कहानी को जानने का जिस घटना से आज यह पुण्य भूमि पूरे देश और विदेश में विख्यात हुई। बताया जाता है सिद्ध बाबा माँ पूर्णागिरी के अनन्य भक्त थे। वे नित्य प्रतिदिन भक्ति और आस्था के साथ माता के दर्शन करने जाया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी कारण सिद्ध बाबा हुए श्रापित और उसी श्राप ने उन्हें सदा के लिए यहां पर कर दिया स्थापित। सिद्ध मंदिर जो है सिद्ध बाबा की तपस्थली, पुजारी के द्वारा बताया गया एक भगवान भोलेनाथ की पिंडी भी है जो पीपल के वृक्ष के नीचे है, उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी प्रकट हुई है। सिद्ध बाबा के मंदिर के ठीक सामने है धूनी स्थल जहाँ पर बाबा रमाते थे धूनी। मान्यता है आज भी कि जो भी भक्त आते हैं
वो धुनी अपने मस्तक पर लगाते हैं। बाबा के दरबार में पीपल के वृक्ष के नीचे नेपाल के जो स्थानीय लोग हैं वे सूती झंडे चढ़ाते हैं और भारत से जो ध्वज लेकर के आया जाता है वो सिल्की होता है। चलिए जानेंगे हम मंदिर के बारे में और कुछ रोचक तथ्य। एक दिन पूर्णागिरी माता अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, जहां पर बाबा बिना बताए ही अंदर चले गए। क्रोध से क्रोधित होकर के माता ने उनके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए, जो कि दूर जा जा करके गिरे। लेकिन बाद में माता को जब पता चला कि उस शयन कक्ष में आने वाले उन्हीं के अनन्य भक्त सिद्ध बाबा थे, तब माता ने आशीर्वाद दिया कि जब तक भक्त मेरे दर्शन करने के बाद में आपके दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ना ही उनके दर्शन पूर्ण होंगे। सिद्ध बाबा के प्रांगण में आगे प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसमें के धुनी चलती रहती है। लोग यहाँ की भस्म को पुड़िया बांध करके ले जाते हैं अपने साथ। पूर्णागिरी मंदिर में भी भैरों के दरबार में जिस लकड़ी की धुनी जलती रहती है, वही लकड़ी यहाँ पर भी जलती रहती है, जिसकी धुनी हल्की हल्की धुआं के साथ यहाँ जलती रहती है। बताया जाता है कि ये वृक्ष भी पूर्णागिरी के मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। दोस्तों, नेपाल में इतना सस्ता खाना मिलेगा हमने ये उम्मीद भी नहीं की थी। उस खाने की वीडियो को आप हमारी एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए कैसे जाना है, क्या करना है, वह वीडियो भी आपको हमारी एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं देवकांत त्यागी, मैंने अपनी नज़रों से आपको अपने मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने की सारी जानकारी बताई। यदि आप एकांत में जाना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल मई तकरीबन 3 महीने यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ रहती है, और उसके बाद में भी आप यहाँ जाते हैं तो जो शांति का अनुभव इस समय हमें हो रहा है और शांति से दर्शन हो रहे हैं, वह आपको भी होंगे। लेकिन खास मेले में जहाँ लाखों की लोग भीड़ यहाँ पर उमड़ती है अपनी एक आस्था और अपने विश्वास के साथ, ये विष्णु मंदिर जो हमने आपको बताया था, प्रांगण में छोटे छोटे कई मंदिर हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य देना। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप वीडियो के एंड तक रहे, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पूर्णागिरी और सिद्धगिरी बाबा के दर्शन कर चमत्कारों की कहानियों को जान करके अचंभित न हो, आस्था और विश्वास के साथ प्रणाम कर अपनी कामनाओं के मंगल होने की आशा के साथ इस यात्रा को कीजिए। हम सब आपके मंगल की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी, जय सिद्ध बाबा।